का मैं लॉन्ग टर्म शेयर सेल्टियस में अपने चैनल पे, और एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज की जो कंपनी है बीकेटी टायर्स यानी बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मुझे ऐसा लगता है कि बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज़ जो लोग MRF वगैरह में रुचि रखते थे या कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो एक मल्टीबैगर हो और आने वाले समय में आपको कुछ वर्षों में ही टायर की कंपनी माला माल बना दे, तो आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं कितना इसमें पोटेंशियल है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, पहले हम बेसिक चीज़ें जानेंगे बाल कृष्णा इंडस्ट्री के बारे में। देखिए उनके जो टायर्स हैं, अगर मैं चित्र दिखा रहा हूँ जिस प्रकार से इमेजेस, तो समझिए कि ये जो इंडस्ट्रियल टायर्स होते हैं, जो फार्मिंग में यूज़ होते हैं, जो हैवी ड्यूटी में इस्तेमाल होते हैं, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स में होते हैं, तो आगे हम जानेंगे उस प्रकार की टायर से बनाते हैं। तो होता क्या है कि ऐसी कंपनी उन जो है जैसे पीयर कंपनीज से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं, डाइवर्सिफाई हो जाती हैं, उनके कंपटीशन से थोड़ा सा अलग हट के हो जाती हैं, क्योंकि इनका जो सेगमेंट है बड़े बड़े टायर्स का सारी कंपनियां नहीं बनाती है ना। तो ये एक एक बाल कृष्णा इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में BKT टायर्स भी कहते हैं, इंटरनेशनली ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। तो जानेंगे प्राइस और एक फेयर वैल्यू किस पे लिया जा सकता है और किस प्रकार के रिटर्न रहे 10 वर्षों के, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए, बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज जो इसका प्राइस चल रहा है ₹1,022, आज है 9 जनवरी 2020 NSE पे इसका, और लो बनाया था 682, हाई 1027, यानी कि अपने हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, हाई बना हुआ है। और जो एक वर्ष के रिटर्न है देखा जाए तो 17% के निकल के आ रहे हैं, 17 करीब 18% मान के चलिए, और 6 मंथ में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कमाल के रिटर्न्स हैं, करीब करीब 42.46% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं इस कंपनी ने बना के दिए हैं अपने निवेशकों को। अगर हम पी रेशियो देखते हैं 23 का है, अर्निंग पर शेयर है 41.87, प्राइस टू बुक है 3.96, डिलीवरीज के 35% के आसपास, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। मार्केट कैप है 19,247 करोड़ की और फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। कुछ इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड लोन देख रहे हैं जून 1 से सितंबर 19 में, यानी Q1 Q2, तो नेट सेल्स में जाहिर सी बात है पिछले क्वार्टर के मुकाबले दूसरे क्वार्टर में गिरावट थी। तो जिस प्रकार से, चूँकि ये भी डिपेंडेंट होती हैं उन ऑटो सेक्टर कंपनियों पे जिनमें भारी डिमांड होती है, तो इनके सेल्स होते हैं, या फिर अगर उनमें मंदी है तो उस हिसाब से। लेकिन क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां होती हैं, ऑटोज़ होते हैं या मशीनरीज होती हैं, उनको भी तो टायर रिप्लेस करने ही पड़ते हैं। तो जिनका सेगमेंट है थोड़ा सा अट्रैक्टिव मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिप्लेसमेंट में भी काफ़ी बिक्री होती है, जैसे कि टायर ख़राब हो जाते हैं एक समय के बाद या एक लिमिट के बाद या एक किलोमीटर्स पर्टिकुलर चलने के बाद, ठीक है। तो पिछले क्वार्टर में जो इनकी सेल्स थी 1193 करोड़ के, यहाँ इस बार हो चुकी है 1071, यानी कि 10% के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर रुख है, गिरावट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मामूली सा, इंटरेस्ट कम हुआ ऑब्वियस सी बात है, और स्टैंड लोन जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले वो 65% से ज़्यादा आ गया, यानी कि पिछले क्वार्टर में था 176 करोड़ के आसपास और इस बार हो चुका है 291 करोड़। मार्जिन भी एक शानदार निकल के आ रहा है, 20% से ज़्यादा का, ये पिछले क्वार्टर में 22% के आसपास था और इस बार 24% के आसपास है, ठीक है। और अगर हम साल दर साल देखते हैं सितंबर 2018 सितंबर 2019 में, तो यहाँ पे नेट सेल्स में जाहिर सी बात है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष इनकी सेल्स कम हुई है, इसमें से 19.818% की गिरावट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी करीब करीब 20% के आसपास गिरावट है, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, और जो नेट प्रॉफिट है उसमें 30% की बढ़ोतरी पिछले वर्ष के मुकाबले, और मार्जिन भी सेम मेंटेन कर लिया, पिछले वर्ष थी करीब करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के आसपास और इस क्वार्टर में हो गई इस साल के क्वार्टर में हो गई 24.9, तो बराबर ही है ऑलमोस्ट। ये रहा, अगर हम कुछ प्रमोटर्स की स्थिति देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास 58.3% की जो है इनके पास शेयर होल्डिंग है, तो ये एक बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने पिछले 4 क्वार्टर में अगर हम लगातार देखते तो एज इट इज़ बनी हुई, तो इन्होंने कोई अपनी होल्डिंग डिक्रीज नहीं की हुई है, कोई भी शेयर गिरवी भी नहीं दिख रहा है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें काफ़ी मात्रा में दिख रहे हैं, जैसे कि 11.17 की इसमें होल्डिंग है, टोटल DIIs हैं 22.27%, इसमें से म्यूचुअल फंड्स भी हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बाकी
रिटेल्स हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स की अगर स्कीम देखते हैं तो यहाँ पे हैं HDFC मिड कैप, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, इस प्रकार के इसमें निवेशित हैं। तो प्रमोटर्स की स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है। और पीयर कंपनीज में देखते हैं तो MRF अगर के बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन मुंबई इंडिया। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हाईवे टायर्स यूज्ड इन स्पेशलिस्ट सेगमेंट्स लाइक माइनिंग, अर्थ मूविंग, एग्रीकल्चरल्स, गार्डनिंग इन 5 फैक्ट्रीज लोकेटेड इन औरंगाबाद, भिवंडी, चोपंकी, डोंबिवली एंड भुज। इन 2013 इट वॉज रैंक्ड 41st अमंग द वर्ल्ड्स टायर मेकर्स। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज करेंटली एन OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वेंडर फॉर हैवी इक्विपमेंट मैनुफैक्चर लाइक JCB, जॉन डियर ट्रैक्टर्स एंड CNH इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल्स। द कंपनी करंटली एंजॉयज 2% मार्केट शेयर ऑफ द ग्लोबल ऑफ द रोड टायर सेगमेंट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बालकृष्ण इंडस्ट्री प्रिडोमिनेंटली कैटर्स टू द रिप्लेसमेंट मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इट्स नॉर्थ अमेरिकन ऑफिस इन लोकेटेड इन अक्रॉन, ओहायो, with one warehouse in Wando, South Carolina. About 80% of the Balkrishna Industries business in the United States in the farm market. मतलब 80% जो है इनका बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है इन यूनाइटेड स्टेट्स में वो है कृषि से संबंधित, जो भी ट्रैक्टर्स या क्रेन्स जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। BKT Tyres has been the officially an exclusive tire sponsor for Monster Jam since 2014. In July 2018, BKT purchased naming rights of Italian football second division Serie B for 3 years, with the league being known as Serie BKT under the agreement. ठीक है, ये सब चीज़ें रहीं तो बताना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे लोगों को रुचि होती है कि भाई कुछ जानना चाहें। तो ये एक अच्छी खासी कंपनी है। मैं तो कहूँगा कि इसमें अगर आप लोगों को ख़रीदना हो तो आप पूछेंगे किस लेवल पे ख़रीदना चाहिए। देखिए, अगर हम चार्ट में देखते हैं इनके एक वर्ष का कैसा रहा इनका उतार चढ़ाव, काफ़ी नीचे गया था 600 के आसपास। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लो बनाया था इसने 682 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे हाई अगर देखते हैं तो 1000, तो हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, नया हाई बनाया इस वर्ष। तो इसमें होता क्या है कि आपको अगर इस पे जो फेयर वैल्यू निकल के आ रही है, अगर आपको 800 के आसपास कभी फिर गिरावट मिले तो मुझे लगता है एक अच्छा प्राइस है उस समय, अच्छी ख़रीदने की जो है अच्छा लेवल रहेगा। तो बालकृष्णा इंडस्ट्री बोनस भी देता है, वो भी हम देख लेंगे, और डिविडेंड तो देता ही देता है। तो मेरी नज़र में अगर मैं चाहूँ तो अगर टायर सेक्टर में कोई अच्छी कंपनी मुझे दिखाई देगी इन दिनों और लंबे समय के लिए अगर मैं चाहूँ लेना, तो बालकृष्णा इंडस्ट्री मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, पसंद आता है। अगर डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था, और अगर हम बोनस की स्थिति देखते हैं तो 2017 में भी इन्होंने यानी कि आपके शेयर्स डबल कर दिए थे। बोनस उस हिसाब से दिया था, जितने जिसके पास शेयर्स थे उनको डबल कर दिया था 2017 में। इसके पहले इन्होंने 2005 में दिया था बोनस, फिर उसके बाद 2003 में दिया था, फिर 1994 में दिया था, 1991 में दिया था। तो बोनस जब भी इनको लगता है तो समय समय पर ये देती रहती हैं। तो जो लोग लंबे समय के निवेशक हैं, इस बोनस का भी उनको लाभ मिलता रहेगा और उसी प्रकार से प्राइस करेक्ट हो जाता है। तो ये रहा। तो दोस्तों, मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा और इस टायर कंपनी के बारे में सोचें, स्टडी करें, और अगर आपको लगता है कि टायर सेक्टर की कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो मुझे लगता है कि बालकृष्णा इंडस्ट्री एक अच्छी कंपनी है। और अभी थोड़ा सा ज़रूर वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा प्राइस लग रहा है स्टॉक प्राइस, बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स और नतीजे वगैरह भी ठीक ठाक आए हैं, और मुझे लगता है भविष्य में काफ़ी अच्छा ये आपको मुनाफा बना के दे सकती है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हम देख लेते हैं रिटर्न प्रोफाइल में कि किस प्रकार के इनके रिटर्न्स। रिटर्न कैलकुलेटर में हम क्लिक करेंगे। एक वर्ष में जैसा कि हमने बता ही दिया, तो हम देखेंगे सीधे तीन वर्ष में देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है 87% के रिटर्न्स, और अगर 5 वर्षों में देखते हैं तो 216% के पॉजिटिव रिटर्न्स। ये एक अच्छी बात है। और 10 वर्षों में अगर हम बात करें तो 10 वर्षों में जिन्होंने पैसे 10 वर्ष पूर्व लगाए होंगे, मान लीजिए 1,00,000 रुपये आपने 10 साल पहले लगाए थे, तो उनको 1785% के जो रिटर्न मिल रहे हैं 10 वर्षों में आज की डेट पे। तो जो लोग
लंबे समय के निवेशक हैं, वो ज़रूर इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपने और अध्ययन करने के बाद। और लेकिन 10 वर्षों में देखा जाए तो एक मल्टीबैगर स्टॉक था, आपके 1 लाख रुपए को 18 लाख बना दिए, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो वाइंड अप करता हूँ। आज की चर्चा थी बालकृष्णा इंडस्ट्री पे, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।